आज हम बना रहे हैं सर्दियों की स्पेशल उड़द दाल खिचड़ी। यह मकर संक्रांति का एक पारंपरिक व्यंजन है और इस दिन इस रेसिपी का हिंदू धर्म में बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे वैसे भी बना सकते हैं और सर्दियों के दिनों में इसको खाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 1/2 कप साबुत उड़द की दाल और 1 कप चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बासमती चावल ले रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आपके पास मेजरमेंट कप्स ना हो तो आप घर की कोई भी एक कटोरी से मेजरमेंट सेट कर लें। अब देखिए, दाल को मैंने एक बोल में 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे कुकर में डाल लेंगे और ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। तो फ्रेंड्स, 1/2 कप दाल के लिए मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो चलिए कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे गैस पर बॉईल करने के लिए चढ़ा लेते हैं। अब हाई फ्लेम पर एक सीटी लगा लेंगे और सीटी के आते ही गैस फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पर रखकर 9 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इधर चावल को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। तो लीजिए, दाल बॉयल हो चुकी है और अब कुकर के ढक्कन को हमें अपने आप से खुलने देना है। और अब कुकर के खुलने के बाद आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो दाल को बस हमें इतना ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा हमें दाल को कुक नहीं करेंगे। और देखिए, हाथ से दबाने पर दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, पर दाल का एक एक दाना अलग से खनकता हुआ दिखाई देता है। तो बस दाल को हमें इसी तरीके से बॉयल करना है। तो चलिए, दाल को एक बोल में निकाल लेते हैं और नेक्स्ट एक कुकर को गैस पर चढ़ा लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और तेल के अच्छे से गर्म होने पर हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद 2 तेज पत्ते, अब डालेंगे 6 से 7 करी पत्ते, अब 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद हम डालेंगे 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, और अब 1 बड़ी इलायची को तोड़ के मैंने उसके अंदर से आधे बीज निकाल लिए हैं। तो देखिए, खड़े मसाले हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो बस अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 चॉप किया हुआ प्याज, और साथ ही साथ में हम ऐड कर लेंगे 2 चुटकी जितना हींग। तो बस प्याज को हमें यहाँ पर ब्राउन कलर आने तक भून लेना है, और उसके बाद में हम डालेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पर 2 चॉप किए हुए टमाटर डाल रही हूँ, आप चाहो तो केवल 1 टमाटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस टमाटर के डालने के बाद हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अब 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब क्रशर में मैंने 1/2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 6 से 7 कली लहसुन की लेकर दरदरा पीस लिया है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद 3 से 4 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे, तब तक जब तक कि ग्रेवी से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए, ग्रेवी से तेल सेपरेट हो चुका है, यानी कि ग्रेवी कम्प्लीट पक चुकी है। तो बस अब ऐड कर लेना है हमें यहाँ पर सोक किया हुआ चावल, और अब साथ ही साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब हमें जेंटली चावल को रोस्ट कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, घी डालने से क्या होगा, एक तो खिचड़ी का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इसमें अच्छी शाइनिंग भी आएगी। और बस अब ऐड करेंगे बॉइल्ड उड़द दाल, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे यहाँ पर हरा धनिया, और अब लास्ट में ऐड करेंगे पानी। तो हमने यहाँ पर 1 कप चावल यूज़ किया है, तो 1 कप चावल के लिए हमें ले लेना है 2 कप पानी। और बस अब कुकर का ढक्कन बंद कर हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा लेनी है, और 1 सीटी आने पर गैस फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब देखिए, कुकर को हमें यहाँ पर खुद से खुलने का इंतज़ार करना है। तो देखिए, तैयार है स्वादिष्ट उड़द दाल खिचड़ी, और बस ले चलते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। अब आप चाहो इसे पापड़, चटनी, अचार या फिर दही के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पौष्टिक रेसिपी को मकर संक्रांति के शुभ मौके पे या फिर सर्दी के दिनों में ज़रूर बनाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक शेयर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड टिल देन, नमस्कार।